हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। मम्मा ने बनाई है चाय सुबह सुबह, तो शुरुआत होती है आज के दिन की। कैसा रहता आज का मेरा एक्सपीरियंस और कैसा रहता आज का मेरा दिन, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो आप बने रहें मेरे साथ दोस्तों। सो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मम्मा ने दिया भाई सुबह सुबह मुझे टारगेट कि तूने एक काम कर अच्छे से, वो है सब्जी लगाई है मम्मा ने, तो उसको सेफ्टी करनी है ताकि कोई जानवर ना ख़राब करे। तो लगते हैं सुबह सुबह यही काम है, तो करते हैं फिर फटाफट जल्दी से उसे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ आपको। सो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये भाई थोड़ी सी सब्जी लगाई है मम्मा ने, तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए भाई इसकी सेफ्टी ज़रूरी है। तो कुछ ये डंडे लगाएंगे हम, तो ताकि सेफ्टी हो जाए इसकी भाई अच्छे से, ताकि कोई जानवर इसमें ना घुसे और ना ही इस सब्जी को ख़राब करे। जैसे उस प्रकार वहाँ पे सेफ्टी की है, अब इधर भी करनी है भाई, साफ़ सफाई कर दी है मैंने। सो ये लगाए हैं डंडे, तो लगाते हैं फिर आप भी देखें। फाइनली दोस्तों, एक ये डंडा लगाया है और एक ये वाला, एक ये वाला। अब इसको पोर्शन को बीच में से ढकेंगे। सो फाइनली दोस्तों, पूरी सेफ्टी करने के बाद कूड़े को लगा दी आग भाई। अब अच्छा लग रहा है मुझे भी थोड़ा। सो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने बाल कटवाने जोगवा। घर से तो मोटरसाइकिल भाई दोनों भाई ले गए हैं, तो देखते हैं। घर से निकल चुका हूँ, रास्ते में अगर कोई मिलेगा तो उसके साथ लिफ्ट लेंगे तो चले जाएँगे जोगवा, नहीं तो चलते हैं पैदल भाई, आपको भी दिखाते हैं। और दोस्तों, यह है हमारा डक्कर स्कूल भाई। फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक सभी बच्चे इधर पढ़ते हैं। आज संडे है तो स्कूल बंद है भाई। ये हमारे गांव में कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं। दोस्तों, आज संडे यार, संडे वाले दिन कोई आ नहीं रहा ना जा रहा यार, लिफ्ट क्या मिलनी मुझे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
सो दोस्तों, ये है पैसेंजर शेड भाई। यहाँ पे मैं बैठा हूँ हमारे गांव का भाई, मेरा दोस्त सुमित बोल रहा है मैंने जाना है जोगवा, आप मेरे साथ चलो, थोड़ा थोड़ी देर वेट कर लो आप, मैं आ रहा हूँ। तो करते हैं वेट, करते हैं सुमित का इंतज़ार, जब आता है तो उसके साथ चलते हैं फिर भाई। जाने को तो मैं भाई नदी में बोट लगी है, उससे क्रॉस करके जा सकता हूँ, बट सुमित आ रहा है तो उसके साथ चलते हैं, क्यों इतना कष्ट करना भाई। वो आ रही है बोट, जाने को तो चला जाता बट सुमित बोला मेरे साथ चलो, आप आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ। तो करते हैं इंतज़ार भाई। फाइनली दोस्तों सुमित भाई आ गए हैं, अब इनके साथ चलते हैं भाई। फाइनली दोस्तों सुमित भाई ने उतार दिया भाई, मैं जा रहा हूँ जोगवा ब्रिज के ऊपर से भाई। जोगवा ब्रिज कर दिया बंद गाड़ियों के लिए, क्यों किया है भाई? इसका रीज़न ये है कि पुल का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए अभी पेंटिंग पोंटिंग द्वारा कर रहे हैं, इसमें डेकोरेशन थोड़ी कुछ काम बचा हुआ था। तो गाड़ियाँ इसलिए जाने दी थी क्योंकि नीचे से रास्ता नहीं था अभी कंप्लीट, तो उधर रास्ता कंप्लीट कर दिया तो इधर बंद कर दिया, और साथ में ये पेंट कर रहे हैं भाई। पुल वालों की टीम पूरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके भाई, बीआरओ की तरफ से, आर्मी वालों की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा, फिर भाई खुल जाएगा ये ब्रिज पूरा। सो दोस्तों आप देख सकते हो भाई, बीआरओ की तरफ से ये काम अभी चल रहा है भाई। आज संडे था इसलिए लेबर काम पे नहीं लगी है, बट कुछ ही दिनों के बाद, एक महीने के बाद ये पुल का रोड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसके ऊपर वाली साइड से गाड़ियाँ जाना शुरू हो जाएंगी भाई। पुल से गाड़ियाँ बंद है भाई, इस साइड से जा रही हैं अब। सो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त मेरे, हाय अंकुश कैसा है? मैं ठीक हूँ। हाय जानम कैसा है? ठीक। कहाँ गए थे आप? जोगवा। क्या लेने? बम लेने, दिवाली की शॉपिंग करने गए थे। ठीक है ठीक है, जाओ फिर। तो फाइनली दोस्तों हैप्पी भैया के पास आए हूँ भाई, बाल कटवाने अब। तो दोस्तों मैं हैप्पी भैया की दुकान पे आया हुआ था, ये मालिक मिला मेरे दोस्त। हेलो मालिक, कैसा है? ठीक हूँ मैं भी। क्या करने आए थे? दिवाली की शॉपिंग करने लगी हो आप? अभी अभी कितने दिन है दिवाली बाकी? 7-8 दिन। ठीक है भाई। तो दोस्तों हैप्पी भैया गए हैं भाई खाना खाने, बोले 2 मिनट वेट करो फिर उसके बाद आते हैं, तो उसके बाद हमारा नंबर लगेगा भाई। साथ में बगल वाली दुकान है ना, वो आज बंद है, उसकी वजह से भाई रश है इधर, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा घर जाने में भी। सो दोस्तों अब अपना भाई रोहित भी आ गया भाई, टाइम लगेगा भाई।
सो फाइनली दोस्तों कटिंग मैंने करवा ली है भाई। अब मैं खुद को अच्छा लग रहा हूँ भाई। अगर मैं खुद को अच्छा लग रहा हूँ तभी तो दूसरे को अच्छा लगूँगा ना। सो अच्छा लग कटिंग कुटिंग करवा के क्लीन शेप एंड पूरी अच्छा लग रहा है भाई। सो हैप्पी भैया के पास आया था मैं भाई जोगवा में बाल कटवाने। सो मेरे 50 रुपये लिए भाई। आगे मैं कहीं और से कटवाता था उधर लेते थे मेरे 60 या 70 रुपये। रेट भी अच्छा है भाई, कटिंग भी अच्छी करती है भाई। तो दोस्तों बाल कटवा के आ गया था भाई अपनी दुकान पर। अब भाई ने दे दिया मोटरसाइकिल, बोला मोटरसाइकिल लेके चला जाए घर। बड़ी खुशी की बात है भाई, आते किसी से लिफ्ट लेके आया था, अब जा रहा हूँ अपनी बाइक पे भाई। घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से। सो फाइनली दोस्तों पहुँच गया हूँ अपने घर। इसी के साथ करता हूँ वीडियो एंड। आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ और अपने इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।